तो दोस्तों जहां पर चंडीगढ़ मोहाली जीरकपुर में प्रॉपर्टी के रेट्स करोड़ों तक जा चुके हैं, वहीं पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 85 गज में बना हुआ 2 BHK अपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 28,90,000 रुपए में। This is Sonia Sohal and you're watching Best Price Realty. आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि ऐसे अपार्टमेंट जो कि चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे से जस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहने वाले हैं, एग्जैक्टली गाजीपुर रोड पे सिचुएटेड, एंड दिस इज इन जीरकपुर। और अगर मैं इन अपार्टमेंट्स की बात करूँ तो हमारे पास टोटल 114 यानी कि 114 अपार्टमेंट्स रहेंगे जो कि सारे के सारे 2 BHK रहने वाले हैं S+3 की एलिवेशन के साथ। सो फ्लैट्स की पहले बात करने से पहले टॉकिंग अबाउट द लोकेशन एडवांटेज, तो आपका डी मार्ट, मेट्रो, बर्गर किंग, मैकडी, डीकैथलॉन, इनॉक्स, ढिल्लो प्लाजा, पारस डाउनटाउन, ये सब रहने वाले हैं आसपास के मेजर हॉटस्पॉट्स। इसी के साथ आपकी नेबरिंग स्टेट्स के लिए भी बहुत इजी यहाँ से एक्सेस हो जाएगी। और इन अपार्टमेंट्स में से हमारे पास सिर्फ 50% ऑलरेडी सोल्ड आउट है और 50% रिमेनिंग है। चलिए मैं आपको पहले अंदर से यहाँ से दिखा देती हूँ। ये हमारा फ्रंट एरिया आ जाएगा वाइड फ्रंटेज के साथ, और ये हमारे सोसाइटी का गेट आ जाएगा, इसके साथ ही ये कोऑपरेटिव ऑफिस आ जाता है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट एरिया। तो अगर मैं इन अपार्टमेंट्स की सबसे पहले बात करूं तो आपकी ये एलिवेशन आप चेक कर सकते हैं, स्टिल्ट में आपकी पार्किंग रहने वाली है, फिर आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आपको 100% रूफ राइट्स के साथ मिल रहा है। सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो 114 फ्लैट्स में से आगे आप देख रहे होंगे कुछ फ्लैट्स हमारे ऑलरेडी बनके तैयार हो चुके हैं, रेडी टू मूव है, यानी कि आप आकर रजिस्टर करवा के यहाँ पे रहना स्टार्ट कर सकते हैं। 50% फैमिलीज आर ऑलरेडी रिजाइडिंग हियर। तो अगर मैं उनकी बात करूं तो आगे कुछ की कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, जहां पर आपका एक सोसाइटी पार्क बनने वाला है और सोसाइटी का एक मंदिर बनने वाला है, तो यहां पे आपको सोसाइटी पार्क और मंदिर भी मिल जाएगा। साथ में अगर मैं बात करूं स्टोर रूम्स की, तो आपकी पार्किंग के अंदर ही जहां पे आपकी स्टिल्ट पार्किंग है, हर एक अपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट स्टोर रूम अलॉटेड रहेगा। सो चलिए अब मैं आपको हमारा आज का सैंपल अपार्टमेंट दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो प्राइस है वो स्टार्टिंग प्राइस रहने वाला है 28,90,000 ओनली। सो यहाँ से हमारे पास 2 BHK स्टार्ट हो जाते हैं। अगर जीरकपुर जैसे लोकेशन में आपको 28 लाख में कोई भी अपार्टमेंट मिल रहा है बिल्कुल रेडी टू मूव 2 BHK, तो आपको एक भी सेकेंड सोचना नहीं चाहिए, एक बार तो यहाँ पे विजिट करके जरूर देखना चाहिए। तो चलिए सैंपल अपार्टमेंट दिखाती हूँ। तो सारे फ्लैट्स आपके आमने सामने रहने वाले हैं, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स रहेंगे लाइक दिस, स्टेयरकेस दी जा रही है आपको एक्सेस के लिए। ये हमारा आज का सैंपल अपार्टमेंट रहने वाला है, वुडन डोर आपका एज इट इज रहने वाला है। सो ये हमारा आज का 2 BHK अपार्टमेंट रहेगा जो कि आपको 85 गज में बना के दे रहे हैं। 85 गज में सारे के सारे 2 BHK अपार्टमेंट रहेंगे। सबसे पहले आपका ये ड्रॉइंग एरिया आ जाता है, आपकी ये वॉल प्लेन रहने वाली है, उसके साथ ही आपका फर्स्ट बेडरूम एंड सेकंड बेडरूम आ जाता है, सामने किचन रहेगी। इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी इनफ स्पेस यहाँ पे हमारे पास है, आप अपने सिटिंग या फिर सोफाज यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आपकी सीलिंग की, तो आपकी फॉल सीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है, AC डक्ट रहेंगे, फैंस की प्रोविजन रहेगी और LED प्रोविजन रहेगी। साथ में इस एरिया में आ जाती है आपकी बालकनी जो कि फ्रंट बालकनी रहेगी यहाँ से अटैच्ड। सो दिस इज द फ्रंट बालकनी जहाँ पर UPVC विंडो विद टपन ग्लास रहेंगे आपकी विंडो ग्लास पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आमने सामने आपके फ्लैट्स रहने वाले हैं, तो सारे फ्लैट्स ऐसे ही रहेंगे, बीच में आपका पार्किंग एरिया भी आ जाता है और स्ट्रीट में भी आपकी पार्किंग रहेगी, यानी कि सरफेस और स्ट्रीट आपको दोनों टाइप की पार्किंग यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं बहुत अच्छी हाइट के आपको गार्ड रेल भी दिए गए हैं, कुछ इसी तरीके से आप प्लांटेशन कर सकते हैं अपने बालकनी एरिया को और भी अच्छा बनाने के लिए। सो ये बालकनी आपकी फ्रंट बालकनी है जहाँ से आपकी लाइट एंड वेंटिलेशन प्रॉपर बनी रहेगी घर में। इस तरफ हमारी किचन आ जाती है, किचन आपकी एज इट इज रहने वाली है अगेन L शेप में। ये पार्टीशन कस्टमाइज आप करा सकते हैं, इट्स अप टू यू कि अगर आपने ये पार्टीशन इंक्लूड करवानी है तो आप ये करवा सकते हैं। और इस तरफ अगर हम देखें तो आपके किचन की इस साइड रहने वाली है ये ग्लास विंडो अगेन लाइट एंड वेंटिलेशन पर्पज से। ये आपके डुअल सिंक आ जाते हैं। अपर लोअर कैबिनेट की बात करें तो आपके कैबिनेट्स इस तरीके से रहेंगे स्टोरेज के साथ। चिमनी एंड होब की प्रोविजन दी जा रही है आपको इस किचन में, RO एंड गीजर की प्रोविजन रहेगी। ये आपकी मार्बल स्लैब आ जाती है। ड्रॉर्स की अगर मैं बात करूं तो आपके ड्रॉर्स सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ यहाँ पे रहने वाले हैं। और इस तरफ आपका आ जाता है रेफ्रिजरेटर स्पेस, और इसी के साथ हमारे दोनों रूम्स आ जाते हैं, एडजॉइनिंग दोनों रूम रहेंगे, दोनों का सिमिलर साइज रहेगा 11x11। सो पहले हम ये रूम देख लेते हैं। इस रूम की अगर मैं बात करूँ तो आपको अटैच वॉशरूम एंड वार्डरोब और ये बेडरूम एरिया ऐसा ही मिलने वाला है।
एज इट इज, इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं रहेगा, आपका ये ग्लास मिरर इंक्लूड नहीं रहेगा, साथ में ही आपकी सीलिंग एज इट इज रहेगी, एसी डक्टिंग एंड आपकी एलईडी प्रोविजन रहने वाला है, ये आपके वार्डरोब एज इट इज रहेगी इस एरिया में। और इस वार्डरोब की अगर मैं बात करूं तो आपका लोअर सेक्शन एंड अपर सेक्शन ऐसे ही रहने वाला है, अच्छी खासी स्टोरेज के साथ। और रूम साइज की अगर मैं बात करूँ वो भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पे दिया गया है, रूम साइज आप देख सकते हैं काफी अच्छी, यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट स्पेस है। इस तरफ आपका अटैच वॉशरूम रहने वाला है और इस साइड से अटैच रहने वाली है आपकी बैक बालकनी। पहले हम वॉशरूम देख लेते हैं। सो वॉशरूम में आपकी जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स है वो सारी ब्रांडेड रहने वाली है लाइक दिस। फ्लोर टाइल्स एंड वॉल टाइल्स आपकी एज इट इज रहेगी। गीजर की प्रोविजन दी जा रही है, ये आपकी ग्लास विंडो आ गई एंड एग्जॉस्ट फैन की प्रोविजन रहेगी। और ये आपकी सेकंड बेडरूम के साथ भी अटैच रहने वाली है बालकनी, तो हम इसको सेकंड बेडरूम से देखते हैं। सो दिस इज योर सेकंड बेडरूम। अगेन अगर मैं इस रूम के साइज की बात करूँ आपका वही 11x11 के साइज में रहने वाला है। इस रूम में भी आपकी वार्डरोब रहेगी, अटैच वॉशरूम रहेगा एंड बैक बालकनी रहेगी। सीलिंग अगर मैं बताऊँ तो आपकी सीलिंग एज इट इज रहेगी और ये आपकी वार्डरोब आ जाती है। अगेन अगर मैं इस वार्डरोब की बात करूँ इसमें भी आपको काफी अच्छी स्टोरेज स्पेस दी जा रही है। इस एरिया में आप इस तरीके से मिरर इंस्टॉलेशन करा सकते हैं, ये आपका ड्रेसिंग एरिया भी बन जाएगा, इट्स अप टू यू अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। ये आपके वॉल आ जाएगी, यहाँ पे आपकी एलईडी प्रोविजन रहने वाली है, एसी डक्टिंग आपको इस रूम में भी प्रोवाइड की जाएगी एंड हेयर इज योर अटैच वॉशरूम इन दिस एरिया। यहाँ पर भी आपकी जितनी सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगी वो ब्रांडेड रहने वाली है। ब्रांड की अगर मैं बात करूँ तो जैगुआर ब्रांड यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंटीस्किड फ्लोर टाइल्स के साथ आपकी वॉल टाइल इसी तरीके की रहने वाली है। यहाँ पर बस आपका ये ग्लास मिरर नहीं रहेगा, गीजर की आपकी प्रोविजन रहेगी, शार सेक्शन आपका उस तरफ आ जाता है और यहाँ पे एक ग्लास विंडो आ जाती है और यहाँ से आ जाती है हमारी अटैच बालकनी जो कि आपका बैक बालकनी वाला एरिया आ गया। सो इस एरिया में आपकी टैप प्रोवाइडेड रहेगा, यानी कि आपका वॉशिंग एरिया और यूटिलिटी एरिया आप इसको बना सकते हैं। तो 85 गज में बने हुए इस 2 BHK अपार्टमेंट की कीमत 28 लाख है और 28 लाख रुपए में अगर आपको मिल रहे हैं ये 2 BHK अपार्टमेंट जिसमें आपका 2 बेडरूम एंड 2 वॉशरूम मॉडुलर किचन लिविंग एरिया विद बालकनी ये वाला कॉन्सेप्ट रहने वाला है, तो आप ही बताइए आपको ये डील कैसी लगी। और जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर्स पे, कॉमेंट सेक्शन में जाके हमें बताना ना भूलिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। तो हम आते रहेंगे आपके लिए नई नई वीडियोज और नए नए प्रोजेक्ट लेकर। कीप वॉचिंग बेस्ट फ्रेंड्स रियल्टी। दिस इज सोनिया सोहल साइनिंग ऑफ।